वाटर एनालिसिस के आज इस 7वें लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ज़ियोलाइट और परम्यूटेट मेथड, द रिक्वायरमेंट ऑफ ज़ियोलाइट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर इट्स रीजेनरेशन मेथड। इसके पहले हम लोगों ने ज़ियोलाइट प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि सोडियम ज़ियोलाइट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड वाई मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O। दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट सोडियम ज़ियोलाइट। कन्वीनियंस के लिए इसके ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SiO2 और H2O पार्ट को Ze से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे रिएक्शन को समझना आसान हो जाए, क्योंकि ज़ियोलाइट की प्रॉपर्टी होती है कि इसका सोडियम आयन रिप्लेसेबल होता है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन हार्डनेस कॉजिंग आयन के। रिएक्शन इफ मैग्नीशियम सल्फेट हार्डनेस कॉजिंग साल्ट रिएक्ट्स विद सोडियम ज़ियोलाइट देन मैग्नीशियम ज़ियोलाइट इज फॉर्म्ड एंड सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। सोडियम इज रिलीज्ड, मैग्नीशियम वाटर से रिमूव हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड ये रिएक्शन करता है जब सोडियम ज़ियोलाइट से तो कैल्शियम ज़ियोलाइट बन जाता है और हार्डनेस रिमूव हो जाती है। इस मैग्नीशियम ज़ियोलाइट और कैल्शियम ज़ियोलाइट के फॉर्मेशन को कहते हैं कि जब सारा सोडियम आयन रिप्लेस हो जाएगा ज़ियोलाइट बेड से तो डिस्चार्ज हो जाएगी ज़ियोलाइट बेड और मैग्नीशियम ज़ियोलाइट कैल्शियम ज़ियोलाइट एग्जॉस्टेड बेड कहलाती है या डिस्चार्ज बेड कहलाती है। इसको रिचार्ज करने के लिए सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिसे ब्राइन कहते हैं मैग्नीशियम ज़ियोलाइट और कैल्शियम ज़ियोलाइट पर पास किया जाता है तो रिएक्शन होता है जिससे कैल्शियम आयन रिप्लेस होकर के सोडियम ज़ियोलाइट दोबारा बन जाता है। एग्जॉस्टेड ज़ियोलाइट कैल्शियम ज़ियोलाइट एंड रीजेनरेटेड सोडियम ज़ियोलाइट। इसी तरह से मैग्नीशियम ज़ियोलाइट पर सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो एग्जॉस्टेड ज़ियोलाइट मैग्नीशियम ज़ियोलाइट चेंज होकर के रीजेनरेटेड ज़ियोलाइट में बदल जाती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाटर में कितना कैल्शियम आयन है और कितना मैग्नीशियम आयन है उससे रिमूव करने के लिए कितना ज़ियोलाइट खर्च होगा, उस ज़ियोलाइट के खर्चे के आधार पे कितना सोडियम क्लोराइड लगेगा उसे रोबा दोबारा रिचार्ज करने के लिए, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग आगे करेंगे। कैलकुलेशन के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर ध्यान में रखेंगे तो ये कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। पहला काम है कि सोडियम क्लोराइड की जो रिक्वायरमेंट होती है रीचार्ज करने के लिए उसके अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म में कन्वर्ट करना। सो NaClSCaCO3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ NaCl इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो पिछले टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। WNaCl ले लिया, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो यहाँ पर NaCl है। WNaCl इंटू 50 कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट सोडियम क्लोराइड का 58.5। ईजी करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना बताया था तो ये हो जाएगा 100/117। इस तरह से अगर NaCl का अमाउंट जो भी दिया हुआ हो ग्राम में मिलीग्राम में उसमें जब 100/117 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। फॉर रीजेनरेशन अमाउंट ऑफ NaCl यूज्ड एज मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब रीजेनरेट करते हैं एग्जॉस्टेड बेड को तो जितना सोडियम क्लोराइड खर्च होता है मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर दैट विल बी इक्वल टू द हार्डनेस ऑफ वाटर, वो हार्डनेस ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट होगा। पहले वाटर को हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं तो ज़ियोलाइट बेड एग्जॉस्ट हो जाती है, अब उस एग्जॉस्टेड बेड में जितना कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ट्रैप हुआ था उसको जब रिमूव करते हैं सोडियम क्लोराइड से तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड खर्च होता है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये फार्मूला है अमाउंट ऑफ NaCl यूज्ड एज मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू द हार्डनेस ऑफ वाटर ppm ऑफ CaCO3। देन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉफ्टेंड
कितना पानी सॉफ्ट किया गया? सो अमाउंट ऑफ एन ए सी एल यूज एज मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड का जितना अमाउंट मिलीग्राम में यूज किया गया है दैट विल बी इक्वल टू हार्डनेस ऑफ वाटर इन टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जितना पानी हार्ड वाटर सॉफ्ट किया गया उसकी हार्डनेस और उसके वॉल्यूम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा सोडियम क्लोराइड का मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अमाउंट। एंड अदर इज अगर कंसंट्रेशन दी हुई है सोडियम क्लोराइड की जो सोल्यूशन यूज किया जा रहा है, सपोज ये जो उसकी कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में दी हुई है तो उसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के टर्न में बदल लेंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट के टर्न में कन्वर्ट कर लेंगे देन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एज मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू इट्स वॉल्यूम, कितना सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन खर्च हुआ, इज दैट विल बी इक्वल टू द हार्डनेस ऑफ द वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ द हार्ड वाटर। ये चार फॉर्मूले हैं, इनका यूज करके हम एक्सप्रेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, 1000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर इज सॉफ्टेंड बाय जियोलाइट प्रोसेस, दिस जियोलाइट वॉज रीजेनरेटेड बाय यूजिंग 20 लीटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंटेनिंग 1500 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ NaCl, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ द वाटर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 1000 लीटर हार्ड वाटर को जियोलाइट विधि से सॉफ्ट किया गया और सॉफ्ट होने के बाद जो जियोलाइट बेड एग्जॉस्ट हो गई उसको रीजेनरेट करने के लिए सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1500 मिलीग्राम पर लीटर है के 20 लीटर स्पेंड हुए, खर्च हुए, तो हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा है की पॉइंट यहाँ पर यूज़ कर लें, हम लोगों को हार्डनेस ऑफ वाटर निकालनी है। तो अमाउंट ऑफ NaCl यूज्ड एज मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर रीजनरेशन इज इक्विवेलेंट टू द हार्डनेस ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट खर्च हुआ है उसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में मिलीग्राम पर लीटर में निकाल लें, वो जो होगा वो हार्डनेस के बराबर होगा। खर्च कितना हुआ है, 1500 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड पर लीटर, इसका अर्थ क्या हुआ, 1 लीटर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में 1500 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड है। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें मिलीग्राम में सोडियम क्लोराइड कितना है, 1500 मिलीग्राम। तो 20 लीटर्स में कितना होगा, क्योंकि 20 लीटर खर्च किया गया है, 20 लीटर्स में कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 इंटू 20 इज इक्वल टू 30,000 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, इतना सोडियम क्लोराइड खर्च हुआ। अब इसे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 30,000 को मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अभी पीछे बताया था 1000/117 है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितना भी आया वो 1 लीटर के लिए है, 1000 लीटर के लिए है, क्योंकि 1000 लीटर को सॉफ्ट किया गया है तो जियोलाइट बेड एग्जॉस्ट हो गई, 1000 लीटर के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड था वो कितना था, 30,000 × 100/117। तो 1 लीटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, पर लीटर में निकालना है तो मिलीग्राम पर लीटर में, 1 लीटर के लिए कितना करेंगे तो इस अमाउंट को 1000 से डिवाइड कर दें, जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वही हार्डनेस हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 117 देन अगेन डिवाइडेड बाई 1000, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 25.641 मिलीग्राम ऑफ NaCl एज CO3 पर लीटर। देयरफॉर अमाउंट ऑफ NaCl इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन इज इक्वल टू 25.641 मिलीग्राम पर लीटर। कितना सोडियम क्लोराइड जरूरत पड़ी पर लीटर, 25.641 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पर की पॉइंट दिया था, जितना NaCl रिक्वायर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर रीजनरेशन के लिए
वही उसकी हार्डनेस होगी। देयरफॉर हार्डनेस ऑफ वाटर इज 25.64 पीएम पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वी नो दैट 1 mg/L इज इक्वल टू पीपीएम। तो मिलीग्राम को हम लोग मिलीग्राम पर लीटर को पीपीएम भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया 25.641 mg/L। तो क्या किया गया, पहले 1500 mg/L NaCl को 1 लीटर में 20 लीटर में निकाल लिया, फिर इसे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया। ये इतना अमाउंट खर्च हुआ 1000 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना खर्च होगा, तो ये पर लीटर पता चल गया। यही इसकी रिक्वायरमेंट थी, जितनी वैल्यू आ गई दैट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर। अनदर क्वेश्चन, बाई पासिंग 100 liters ऑफ NaCl solution containing 125 g/L ऑफ NaCl, a exhausted zeolite softener bed was regenerated. Calculate the volume of hard water sample, hardness equal to 100 ppm SCOCO3, which can be softened by regenerated bed of zeolite softener. तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर कैलकुलेट करना है और हार्डनेस पहले दी गई है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम सोडियम क्लोराइड के अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन का फॉर्मूला बताया है कि फॉर द रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट 100 liters ऑफ NaCl, NaCl की कंसंट्रेशन दी है 125 g/L और उसके 100 liters खर्च हो रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड का अमाउंट कितना खर्च हुआ, 100 liters इंटू 125 g, तो इसका वैल्यू आ गया 12,500 g ऑफ NaCl, इतना NaCl खर्च हुआ। अब इसको जब कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 100/117। मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई 10683.76 g एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में इतना अमाउंट सोडियम क्लोराइड का आ गया। क्योंकि हमको V कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर, सपोज V लीटर ऑफ हार्ड वाटर नीडेड फॉर NaCl, दैट विल बी इक्वल टू 10683.76 g इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। V लीटर ऑफ हार्ड वाटर नीडेड NaCl इज इक्वल टू, therefore पर लीटर NaCl रिक्वायर्ड इज इक्वल टू V से डिवाइड कर देंगे। V लीटर के लिए इतना NaCl की आवश्यकता थी 10683.76 g की, तो 1 लीटर के लिए कितना होगा, उसे V से डिवाइड कर दिया, ये आ गया ग्राम्स पर लीटर में। अब इस ग्राम्स पर लीटर को मिनी मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीग्राम पर लीटर या ppm कहलाएगा। 10683760 upon V मिलीग्राम्स पर लीटर। अब ये जो वैल्यू आ गई उसका की पॉइंट देख लीजिए क्या है, अमाउंट ऑफ NaCl यूज्ड एज मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर रीजनरेशन विल बी इक्वल टू द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये अमाउंट आया है 10683760 upon V, दैट विल बी इक्वल टू हार्डनेस, हार्डनेस इज गिवन 100, तो इस V को इधर ट्रांसफर करेंगे 100 इधर आएगा, सो V इज इक्वल टू 10683760 upon 100, 100 से डिवाइड करेंगे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10683760.6 liters। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सोडियम जियोलाइट और हार्डनेस ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।